असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। कुछ बदमाशों ने धवारी चौराहे पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर डंडे बरसाए और पत्थर भी फेंके हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिख रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने घटना पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की भी मांग की है। वीडियो मंगलवार शाम का बताया जा रहा है। कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा कि वीडियो मध्य प्रदेश के सतना जिले का है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्व क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ये घटना बेहद निंदनीय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, प्रतिमा की सुरक्षा की व्यवस्था हो। पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट से जवाब में सतना एसपी आशुतोष गुप्ता ने भी ट्वीट कर उन्हें इस मामले में मुकदमा दर्ज होने और 6 आरोपियों के हिरासत में लेने की जानकारी दी है। पुलिस ने घटना का वीडियो वायरल होने के कुछ देर के भीतर ही आरोपियों की पहचान कर 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसमें कृष्णकांत गौतम नाम के युवक समेत 5 अन्य युवक भी शामिल बताए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक नशा मुक्ति के खिलाफ रैली निकाल रहे थे और ये युवक खुद नशे के आदी हैं। इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड तलाशे जा रहे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो मेडिकल नशे के खिलाफ अपनी मांग के प्रति ध्यानाकर्षण करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने प्रतिमा पर डंडे हथौड़े आदि पत्थर बरसा दिए। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस हरकत में आई और कांग्रेसी प्रदर्शन करने धवारी जा पहुंचे। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने घटना का विरोध जरूर जताया। आरोपियों को पकड़ने की मांग भी उठाई। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, शिवराज सरकार मुर्दाबाद, शिवराज सरकार मुर्दाबाद।